नमस्कार, फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। टेलीकॉम सेक्टर में बीते दिन जो है बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। टेलीकॉम्युनिकेशन एक्ट 2023 26 जून से पूरे देश में जो है लागू हो चुका है। ये कानून पिछले साल दिसंबर में ही संसद में जो है पास हो गया था और इस कानून के तहत अब भारत का कोई भी नागरिक जो है अपनी जिंदगी में 9 से ज्यादा सिम जो है नहीं ले सकेगा। इससे ज्यादा जो है सिम खरीदने वालों पर 50,000 से लेकर 2,00,000 रुपए तक का जुर्माना देना होगा। वहीं फर्जी तरीके से यानी कि किसी और की आईडी से यदि आप सिम लेते हैं तो आपको 3 साल के लिए जेल और 50,00,000 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। नए टेलीकॉम लॉ में सरकार जरूरत पड़ने पर नेटवर्क स्पीड कर सकेगी और आपका मैसेज जो है इंटरसेप्ट कर सकेगी यानी कि पढ़ सकेगी। सरकार के नोटिफिकेशन में यह भी कहा गया है कि टेलीकॉम्युनिकेशन आम लोगों के सशक्तिकरण के लिए जो है ताकतवर हथियार है और इसका दुरुपयोग कर आम लोगों के हित को जो है नुकसान पहुंचाया जा सकता है। और इसे देखते हुए जो है नए कानून में जो है आप उपभोक्ताओं को हर तरह से स्पैम और दुर्भावनापूर्वक संचार से बचने के लिए जो है प्रावधान और टेलीकॉम्युनिकेशन एक्ट 2023 में इसीलिए इसको शामिल किया गया है। यह कानून जो है 138 साल पुराना भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम को जो है बदल देगा और अभी इसी कानून से जो है टेलीकॉम सेक्टर में कंट्रोल किया जाता है। और ये नया कानून द इंडियन वायरलेस ग्राफिक्स एक्ट के तहत जो है 1933 कि जो नियम था उसको रिप्लेस करेगा। ये टेलीकॉम्युनिकेशन एक्ट 2023 जो है पिछले साल दिसंबर में ही जो है लोकसभा में पेश किया गया था और 21 दिसंबर को इसे राज्यसभा में पास हुआ था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी के बाद यह कानून जो है बदला गया था। इसे जो है 26 जून से पूरे देश में लागू कर दिया गया है। इस कानून में कुल 62 सेक्शन है लेकिन अभी तक जो है मात्र 39 सेक्शन ही लागू किया गया है। जम्मू कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट के राज्यों के लिए अलग एक इसमें प्रावधान दिया गया है। आपको बता दें कि नए कानून के तहत जम्मू और कश्मीर नॉर्थ ईस्ट के राज्यों के लोग जो है अधिक से अधिक मात्र 6 सिम खरीद सकेंगे। इससे ज्यादा सिम लेने पर उन्हें 50,000 रुपए से लेकर 2,00,000 रुपए तक का जुर्माना देना होगा। और नए टेलीकॉम लॉ में सरकार को जरूरत पड़ने पर जो है नेटवर्क स्पीड करने और आपके मैसेज को जो है इंटरसेप्ट करने का अधिकार मिल गया है। जंग जैसी स्थिति में सरकार को ऐसा करने की अनुमति है। सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा के कारणों से भी किसी भी टेलीकॉम सर्विस या नेटवर्क को जो है मैनेजमेंट को टेक ओवर कर सकेगी। नए टेलीकॉम लॉ के तहत किसी भी तरह का प्रमोशनल मैसेज भेजने से पहले ग्राहकों की अनुमति लेनी होगी। ये नहीं कि कोई भी मैसेज आप एजेंसी कंपनी जो है भेज सकेगी, आपसे पूछना होगा उसको। आपको बता दें कि इससे इस नियम से जो है OTT प्लेटफॉर्म जो है एप्स जो है इसको दूर रखा गया है। उस पर आपका क्या राय है कमेंट बॉक्स जरूर हमें बताइएगा। फिलहाल बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए फर्स्ट झारखंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब? ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ, अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।